बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है वीडियो का सेकंड पार्ट कि जहाँ पे हम किचन में किस तरह से ईद से रिलेटेड चीज़ें अपनी सेव करके रख सकते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे पुदीना, ठीक है। बकरा ईद पर अक्सर क्या होता है, गोश्त खाने की वजह से बदहजमी हो जाती है, तो आपने लेना है पुदीना, धोकर साफ़ कर लेना है और उसे ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। पुदीना ड्राई हो चुका है, अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे और एक पाउडर फॉर्म में बना देंगे। अब आप अगर बकरा ईद पर जब भी गोश्त खाएँ तो उससे बाद आप ये टी स्पून आप पानी के साथ इसे ले लें, इससे ये होगा कि आपको बदहजमी नहीं होगी और फूड पॉइजनिंग भी नहीं होगा। तो चलिए हैं धनिया पुदीना हमने किस तरह से सेव करके रखना है। धनिया पुदीना आपने ले लिया, फ्रेश धनिया पुदीना आपके पास आ गया, आपने लेना है एक मलमल का कपड़ा जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। क्लीन अच्छी तरह से आप इसे धो सकते हैं, वॉश कर लें, या फिर आपने करना है वॉश करके आपने इन्हें सुखाना ज़रूर है ताकि ये सूख जाएं, ड्राई हो जाएं, और फिर जो इनके एंड वाले पार्ट्स हैं आपने कट कर लेना है। जब आप इन्हें कट करेंगे यानी खोल देंगे तो जो भी अंदर ख़राब हुआ हुआ पुदीना या धनिया होगा उसे आपने निकाल देना है, कट कर देना है आपने अच्छी तरह से। ठीक है, मैंने ये कट कर लिए हैं, यहाँ पर धनिया भी कट कर लिए हैं और पुदीना भी कट करके रख लिया है। अब हम इसे अपने मलमल के कपड़े में रख देंगे, सेंटर की साइड में आपने सब धनिया और पुदीना को एक साथ रख देना है। अगर आप पास कड़ी पत्ता भी है तो आप कड़ी पत्ता भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, गारंटीड। हम अक्सर ऐसे क्या कहते हैं, शॉपर में रख लेते हैं या फिर अखबार में रख लेते हैं, वो उस तरह से ख़राब हो जाते हैं, इनका कलर ख़राब हो जाता है और ये ब्लैक पड़ जाते हैं। इस तरह से अगर आप किसी कपड़े में यानी मलमल का जो कपड़ा होगा उसमें आप सेव करके रखेंगे तो आपके ये धनिया पुदीना एक वीक से भी ज़्यादा सेफ रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। हम बिल्कुल इसी तरह अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपने कपड़े में फ़ोल्ड कर लेना है इसे अच्छी तरह से, सारे कॉर्नर्स आपने इसके बंद कर लेने हैं, और चारों तरह से आपने अच्छी तरह से इसे फोल्ड कर लिया। तो फिर एक नीट सा शापर आपने ले लेना है और उस शापर में डालकर इसे अच्छी तरह से एयर टाइट आपने बंद करके फ्रिज में रख लेना है। आपका धनिया पुदीना एक वीक से भी ज़्यादा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अब आप यहाँ पर हरी मिर्चें, ठीक है, अपने हरी मिर्चें बाज़ार से आप लेकर आ गए, पहले तो आपने उसे अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि जो भी मिट्टी वगैरह लगी होती है वो साफ़ हो जाए। अच्छी तरह से आप वॉश कर लें, वॉश करने के बाद इसे आपने थोड़ी देर के लिए सुखाने रख देना है। आप धूप में रख सकते हैं लेकिन पूरा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और फिर आपने इसकी टहनियाँ निकाल देनी है। अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसकी टहनियाँ निकाल दी हैं, और फिर आपने एक शॉपर में डालकर इसे बंद करके फ्रिज में रख देना है। इससे आपकी हरी मिर्ची भी ख़राब नहीं होंगी। हम अक्सर किसी भी ऐसी जो चाली वाला सा बर्तन उस पर रख लेते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं, इस तरह से आपकी हरी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। अब है जी लहसुन। लहसुन आपने किस तरह से सेव करके रखना है, आपने लेना है सिरका और किसी भी टिश्यू या रुई की मदद से आपने इसकी जो ऊपर की जड़ें हैं यहाँ पर आपने अच्छी तरह से सिरका लगा देना है। इससे आपका सिरका भी काफ़ी टाइम तक सेफ़ रहेगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब है यहाँ पर हमारे पास एक गरम मसाला। अक्सर क्या होता है कि नमी आ जाती है इन तरह के मसालों में या फिर कीड़े छोटे वाले पड़ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक बॉक्स लेना है जो कि एयर टाइट बंद हो और उसके ऊपर आपने रख लेना है टिश्यू। आपका जो भी मसाला है किसी भी किस्म का उस पर आपने रख देना है टिश्यू। इससे ये होगा कि कोई नमी आपके गर्म मसाले में या किसी भी किस्म का जो मसाला आपने पीसा है उस पर नहीं आएगी। अभी जी हमारे पास ये हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये किस तरह से हम लोग सेव करके घर में रखते हैं, आपने इन सब के पेस्ट बना लेने और इनको यूज़ इसको सेव करने के लिए आपने यूज़ करना है सिरका और सोडा। इसकी कंप्लीट वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर एक बार सर्च कर लें। इन दोनों चीज़ों के साथ आप लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट सेव करके रख सकते हैं। अब है फ्रूट्स की बारी। फ्रूट्स अक्सर जो केले हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, 1 से 2 दिन में ही केले काले पड़ जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, केलों की जो टिप्स हैं वो आपने कट कर लेनी है और एक टिश्यू की मदद से आपने इनके जो स्टार्टिंग वाली टिप्स हैं वहाँ पर अच्छी तरह से टिश्यू फोल्ड कर देना है और तमाम केलों को इसी तरह से आपने सेव करके रख लेना है, ठीक है। इस तरह से आप टिश्यू फोल्ड करके एक अच्छे से प्लास्टिक के बॉक्स में आप से डाल के रख सकते हैं और फ्रिज में रख दें। इस तरह से ये केले ख़राब नहीं होंगे, ना ही केले पड़ेंगे और एक वीक से भी ज़्यादा आपके ये केले सेफ रहेंगे। ऐसे आपके फ्रूट्स भी सेफ रह सकते हैं फ्रिज में। इस तरह से आपने प्लास्टिक का बॉक्स लेना और तमाम केलों को सेव करके अपने फ्रिज में रख देना है, ठीक है। अब हम बनाएंगे पकी
यानी कि ये पाउडर फॉर्म हम बनाएंगे अपने लिए बकरा ईद के लिए। आपने लेना है यहाँ पर वही पुदीना जो हमने ट्राई करके ग्राइंड कर लिया था, ज़ीरा, सौंफ, काला नमक और अजवाइन, इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है और एक पाउडर फॉर्म पकी बना लेनी है। आप इसे खाने के बाद ले सकते हैं, आप सुबह भी ले सकते हैं खाने से पहले, और खाने के बाद एक स्पून आप पानी के साथ इसे ले लीजिए। इससे हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अब जो चलते हैं किचन में, जो हमारे कैबिनेट होते हैं अक्सर हम जब यूज़ करते हैं और हमारी चीज़ें वगैरह मौजूद हैं, यहाँ पे लाल बैग आ जाते हैं। गर्मियों में छोटे लाल बैग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आपने क्या करना है, पहले अच्छी तरह से सारी चीज़ों को निकाल देना है और फिर इस स्प्रे की मदद से आपने पूरे ड्रॉ में स्प्रे कर देनी है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे बंद करके छोड़ देना है और फिर एक साफ़ कपड़े के साथ, पहले गीला कपड़े इस्तेमाल करना है और फिर एक साफ़ सूखे कपड़े के साथ आपने इसे सारा नीट कर देना है। इससे ये होगा कि जो लाल बैग हैं छोटे वाले वो आपके किचन कैबिनेट्स में नहीं आएंगे। अच्छी तरह से आपने पहले ग्रीन कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ करना है और फिर एक ड्राई कपड़े से साफ़ करना है, ताकि जो भी आपने स्प्रे की है वो आपकी किसी भी स्पून के साथ ना लगे। इस तरह से आपका ये जो ड्रॉ है, किचन ड्रॉ है, ये भी क्लीन और नीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सी हैक्स हैं, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपने किचन में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये सारा ड्रॉ साफ़ हो चुका है और अब मैं फिर से जो भी मेरे किचन की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो इस ड्रॉ में रख कर इसे बंद कर दूँगी। इस तरह जो छोटे वाले कॉकरोचेज़ हैं वो नहीं आएंगे बिल्कुल भी आपके किसी भी ड्रॉ में। तो अब है लेमन। बकरा ईद पर अक्सर क्या होता है, एंड के दिनों में लेमन्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो आपने थोड़े थोड़े करके नींबू बाज़ार से लेने हैं और एक प्लास्टिक के बर्तन में इसे आपने सेव करके रख देना है फ्रिज में। लेमन आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ईद के बाद भी 10 से 15 दिन तक आपके लेमन ऐसे ही सेफ रहेंगे। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने बहुत अच्छी तरह से गौर से एक एक चीज़ को सुनना है और इसी तरह से अपने किचन की सफाई भी करनी है और किचन की सेविंग भी करनी है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह की अमान।